गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नितिन प्रजापति आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और बच्चों, हम लोग जो है 12th क्लास RBSE बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर के अंदर बेटा, इससे जो पहले के टॉपिक्स हैं और जो इसके मतलब पहले के जो कंटेंट्स हैं, वो आप सभी इसी चैनल के जो मतलब वीडियोज हैं उन सब पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हमको एक बात बताइए कि भैया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, वो क्या है? गायनोशियम। क्या है बच्चों? गायनोशियम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया बच्चों? गायनोशियम। गायनोशियम की यूनिट क्या होती है बच्चों? तो आप लोग बात करेंगे सर, गायनोशियम की यूनिट होती है कार्पल या पिस्टल, बोल दो आप उसको, क्या बोलते हैं बच्चों? कार्पल, ठीक है। चलिए, अब कार्पल जो होता है बेटा, वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है बच्चों? तीन पार्ट से। कौन कौन से? तो आप बात करेंगे सर, स्टिग्मा, स्टाइल, देन आफ्टर ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। अब बेटा, अगर इसका हम थोड़ा रफली डायग्राम लें तो कुछ किस तरीके से हो जाएगा ये? तो ये जो रीजन होता है, इसे बच्चों स्टिग्मा कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरी। और ये जो आपका ट्यूबुलर कनेक्शन दिख रहा है, इसे हम स्टाइल बोलते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाला जो रीजन है वो कौन है, तो आप बताओगे सर, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। भैया, स्टिग्मा क्या होगी? सर, स्टाइल का जो अपर पार्ट होता है, स्टाइल का जो अपर पार्ट होता है जो कि पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसे हम स्टिग्मा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। अब और जो स्टाइल का जो बेसिक पार्ट है बेटा, ठीक है, उसे हम बोलते, जो कि फुला हुआ है, उसे हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर ओव्यूल, प्लेसेंटा, ये सब होंगे, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, बात करते हैं आगे। अब कुछ टर्म्स आपकी बुक के अंदर है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो टर्म्स कौन कौन से हैं, चलिए आइए देखते हैं। चलिए, एक बेटा आपके यहां पर टर्म दे रखा है, ये वर्ड दे रखा है आपका एपोकार्पस। अब मेरे भाई, एपोकार्पस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, एपोकार्पस का मतलब, एपो का मतलब होता है अवे, दूर, यानी कि जो कार्प जिसके अंदर कार्पल का जो अरेंजमेंट है वो दूर दूर होता है, फ्यूज फॉर्म में नहीं होता, उसे हम एपोकार्पस कहते हैं। अब आप पूछोगे सर कि अगर वो फ्यूज फॉर्म में हुआ तो क्या बोलेंगे? तो बेटा, उसका जवाब होगा सिनकार्पस, सिनकार्पस। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आता, चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल? व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज ए इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंचियम। ओके, देन व्हाट इज इंटेग्यूमेंट? इंटेग्यूमेंट इज एनवलप और कवरिंग। चलिए, तो ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है एक थिन स्टॉक से, एक थिन स्टॉक से, जिसे हम फिनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फिनिकल या फिनिकुलम या फिनिकुलस, जो आप कहना चाहो। तो बेटा, ओव्यूल को, ठीक है, ओव्यूल को प्लेसेंटा पे, प्लेसेंटा तक, ओव्यूल को प्लेसेंटा से कौन अटैच करेगा? ओव्यूल को प्लेसेंटा से कौन अटैच करेगा? तो आप बताओ, किसे? थिन स्टॉक, जिसे हम फिनिकल कहते हैं, जिसको हम फ्यूनिक्यूलस भी कह सकते हैं मेरे बच्चों, और जिसको हम फ्यूनिक्यूलम भी बोल सकते हैं। बेटा जी, ध्यान रखिएगा, फ्यूनिकल के पास में वैस्कुलर स्ट्रैंड होगा, और यही वैस्कुलर स्ट्रैंड बेटा क्या करता है? ओव्यूल को नरिशमेंट देता है। और ये कहां से कहां तक जाता है बेटा? प्लेसेंटा से ओव्यूल की बॉडी में। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अब लोग हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो ऐसा पॉइंट बेटा जहां पे फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल से अटैच है, उसे हम हाइलम कहते हैं। भैया, वो पॉइंट जहां पे फ्यूनिकल जो होता है अटैच होता है किससे? ओव्यूल से, उसे हम हाइलम बोलेंगे।
ओविंदो होगा बच्चों, ध्यान रखना वो पेरेंकाइमेटस सेल का बना होता है। पेरेंकाइमेटस सेल का मतलब होगा बेटा पेरेंकाइमा का बना होगा, और आप लोगों को पता ही है पेरेंकाइमा की बेटा क्या होती है, विशेषता होती है। अब वो क्या विशेषता होगी कि भैया ये क्या करता है, फूड मटेरियल को रिजर्व करेगा। और ध्यान रखना बेटा इसी रीजन को, ये बेटा ओविल का मेन रीजन होता है, इसे हम म्यूसेलस कहते हैं। ये आपका म्यूसेलस, ठीक है। चलिए, म्यूसेलस जो होता है बेटा मेन रीजन होता है ओविल का, और म्यूसेलस जो होता है बेटा क्या होता है, कवर होता है बाय वन और टू एनवलप, देख लीजिए वन और टू एनवलप, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स, बाहर वाले को आउटर, अंदर वाले को इनर। जो आउटग्रोथ है बेटा, जो क्या है आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ जो कि क्या बेटा पॉइंट है, यूनियन ऑफ फॉलिकल, उसे हम रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेफ है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो बेसल पार्ट है ओविल का, ये एक्चुअली डायग्राम जो होता है बेटा क्या होता है, घुमा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो बेटा ओविल का जो बेसल पार्ट है उसे हम चलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चलाजा, ठीक है, उसे हम चलाजा बोलेंगे। और फॉलिकल यानी कि ये फॉलिकल और ये जो इंटेग्यूमेंट है, ये यहीं से अराइज होता है, यहीं से बनते हैं। चला जाके जस्ट अपोजिट बेटा कौन है, तो आप बताओ कि सर यहाँ पे माइक्रोपाइल है। कौन है बेटा, माइक्रोपाइल है, ठीक है। आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको 10 से 15 सेकंड देता हूँ, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने किसकी बात की थी, गायनोशियम की। बेटा जी गायनोशियम क्या होता है कि सर गायनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का। चलिए, तो बेटा गायनोशियम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कार्पल या पिस्टम। कार्पल कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, हाँ बताइए कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, थ्री पार्ट्स। कितने होंगे बेटा, थ्री पार्ट्स। अब बच्चों ध्यान रखना, थ्री पार्ट्स के अंदर मतलब कौन कौन से होंगे, तो हम लोग बात करेंगे इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यानी कि फर्स्ट जो पार्ट होगा बेटा वो आपका स्टिग्मा होगा, देन आफ्टर क्या होगा आपका स्टाइल, और देन आफ्टर ओवरी। स्टिग्मा क्या होगा बेटा, स्टिग्मा जो होता है सर सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, कार्पल का, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा इसके अंदर, इसको हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसको हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि सर इस पर पोलन ग्रेन आके लैंड होता है। चलिए, तो बेटा उस प्रोसेस का नाम बताइए जहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा पे आता है, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। चलिए, देन आफ्टर स्टाइल क्या होता है, तो स्टूडेंट्स स्टाइल जो होगा बेटा ये स्टिग्मा को, ये किसको, स्टिग्मा को किससे, ओवरी से कनेक्ट करता है बाय ट्यूबुलर कनेक्शन, बाय ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, बताइए इसको हम बोलेंगे स्टाइल। यानी बेटा के जो किसको, स्टिग्मा को, जिसको बेटा क्या कहते हैं, जिसने भाई वो ट्यूबुलर कनेक्शन, जिसने स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है उसको स्टाइल बोलेंगे। याद रखना स्टाइल का जो बेटा बेसल पार्ट है वो फुलावा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर कौन होगा, ओव्यूल। तो दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। ये बेटा क्या होगा, इंटेग्यूमेंटेड मेगा एस्पोरेंजियम। ओव्यूल जो है बेटा क्या होता है, अटैच होता है किससे, प्लेसेंटा से, बाय थिन स्टॉक। ये थिन स्टॉक क्या होगा बेटा, तो बताएंगे फॉलिकल, फॉलिकुलस या फॉलिकुलम, ठीक है। चलिए बेटा, इसके पास वैस्कुलर टिश्यू होंगे, क्या होंगे बेटा, वैस्कुलर टिश्यू, जिसकी वजह से फूड सप्लाई देगा किसको, ओव्यूल को। वो पॉइंट बेटा जहाँ पे फॉलिकल जो है वो ओव्यूल से अटैच, उसे हाइलम कहते हैं। ओव्यूल जो होता है बेटा किसका बना हुआ है, पेरेंकाइमेटस सेल का।
और पैन डायमीटर सेल की बेटा विशेषता क्या होती है कि सर ये फूड मटेरियल को स्टोर कहता है, ठीक है, और ये मेन रीजन होता है बेटा, ठीक है, और इसको बोलते हैं म्यूसिलस। ओव्यूल का वो रीजन जो पैन डायमीटर सेल का बना हुआ है फूड मटेरियल को स्टोर करता है उसे म्यूसिलस कहते हैं। म्यूसिलस जो होता है वो मेन रीजन होता है ओव्यूल का। म्यूसिलस बेटा कवर करेगा, ठीक है, म्यूसिलस को कौन कवर कर रहा है, ये दो एनवेलप या पोर्स उसे बोलते हैं इंटेगमेंट, बाहर वाले को आउटर, अंदर वाले को इनर। आउटग्रोथ होती है बेटा एक पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे यूरिन होता है फिनिकल का, उसे हम रेफे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेफे। तो जो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का उसे हम चला से बोलेंगे, पहले बता चुका हूँ डायग्राम इनवर्ट वाला की घुमा हुआ होता है, ठीक है। चलिए अब फिनिकल और इंटेगमेंट, यानी कि ये वाला ये पार्ट और इंटेगमेंट, ये कहाँ से आते हैं? चला जा से। चले जाके जिस अपोजिट कौन है? माइक्रोपाइल। आई होप आपको आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तो बड़ा सब्सक्राइब करने के अंदर कंजूसी मत कीजिए। और अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।